ஆதி மகோத்சவ் போன்ற விழாக்களின் மூலம் பழங்குடியினரின் பெருமைகளும் சிறப்புகளும் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார். एक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா, பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் 117,000 கிராமங்கள் பிரதமரின் சாகர் சே சம்ரித்தி திட்டத்தின் மூலம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். ராஷ்டிரிய புரஸ்கார் சே சம்மானித் ராமேஸ்வர் முண்டா ஜி ஜோ தாட பத்ர பர் பகவான் கிருஷ்ண கே ஜன்ம சே லேகர் துவர்காதீஸ் கி யாத்ரா கா விருத்தாந்த் पटचित्र के माध्यम से वर्णित किया है। भारत की संस्कृति में ताड़ पत्र और भोज पत्र में जो वैदिक काल की ऋचाएं हैं, उसको लिख करके लोग जीवन में अलंकार करते हैं। उसी तरीके से ताड़ पत्र में चित्र बनाकर अपने पूरे ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चिंतन को प्रस्तुत करते हैं।